मित्रों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नॉमिनी जीरोधा में रिजेक्ट क्यों होता है और किसी किसी का जो है वो प्रोसेसिंग में होता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रोसेसिंग में होता है और किसी किसी का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप अपनी जीरोधा की आईडी लॉगिन कर लीजिए। आज हम आपको जो है वो लाइव प्रोसेस बताने वाले हैं किस तरीके से आप जीरोधा में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में जो भी आईडी है उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आईडी डाल लिया। डालने के बाद यहाँ पर हमने लॉगिन पर क्लिक किया। यहाँ पर ऐप कोड मांगेगा तो हम मोबाइल से अपना ऐप कोड डाल देंगे। और डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और कंसोल में क्लिक करेंगे। और जैसे ही कंसोल पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। ऐड प्लस नॉमिनी लिखा है, तो इससे पहले यहाँ पर स्टेटस आप देख लीजिए, यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नॉमिनी ऐड करेंगे उनका आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसमें हम लगाएंगे, देखेंगे लगता है या नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम आधार को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको मास्क का आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा इंटरनेट से। तो हम मास्क का आधार कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट ओटीपी पर क्लिक किया है। और जैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डू यू वांट ये मास्क आधार पर कि आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गई है वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है। और डालने के बाद यहाँ से आपका जो आधार है वो डाउनलोड हो जाएगा। वही मास्क आधार को वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। आप अपलोड कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आधार है आपका डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हम सो इन फोल्डर करेंगे और हम इस आधार कोड सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से ये डाउनलोड हुआ है वहाँ से हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर डालेंगे। तो साइन फोल्डर करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद हम इसको डेस्कटॉप पर डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर इसको रख लिया है। रखने के बाद अब यहाँ से प्लस हम एड नॉमिनी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नॉमिनी का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने नॉमिनी का नाम डाल लिया है। दोस्तों, अगर नॉमिनी का लास्ट नेम नहीं है तो आप नॉमिनी का लास्ट नेम छोड़ दीजिए। अगर है तो आपको लास्ट में नेम डालना है। तो उसके बाद नॉमिनी की ईमेल आईडी, जो भी नॉमिनी की ईमेल आईडी हो वो नॉमिनी की ईमेल आईडी डालिए। आप वो ईमेल आईडी मत डालिए जो इसमें आपकी पहले से लगी हुई हो। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो आपको वही मोबाइल नंबर इसमें डालना है जो इस जो आप जिसमें नॉमिनी लगा रहे हैं इसमें जो लगा है वो ना डालना है, दूसरा मोबाइल नंबर डालें और वो ईमेल भी ना डालें। उसके बाद यहाँ पर हम नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका हाउस नंबर है तो डाल दीजिए, अगर हाउस नंबर नहीं है तो उसको 00 करके छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो आधार में आपका विलेज हो तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो आधार में मेरा विलेज है वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल दिया। डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और पिन कोड वो कंट्री आपका ले लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ से रिलेशन टाइप, जो भी नॉमिनी आप ऐड कर रहे हैं उसमें तो किस टाइप की नॉमिनी है, क्या रिलेशन है उनका, वो आपको डालना है। उसके बाद 100% मेरे को उन्हीं को जितने भी शेयर हैं, जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं, जितनी भी ट्रेडिंग अमाउंट है उतना मुझे उनको देना है। तो यहाँ पर हम 100% सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो भी चीज़ लगाएंगे आईडी में, तो हम मास्क का आधार कार्ड लगाएंगे, मैंने डाउनलोड किया है। तो मास्क का आधार कार्ड मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर चूज प्रोफाइल पर आप क्लिक करके आप आधार कार्ड वहाँ पर चूज कीजिए। उसके बाद जो उसमें डिटेल में पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डाल दिए। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही कंटिन्यू मैंने किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक मैसेज है वो शो हो रहा है कि इरर अपडेटिंग नॉमिनी फेल टू ई साइन। तो दोस्तों, अभी जो है आधार अपलोड नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आपको आईडी चेंज कर देनी है। तो हम यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अपलोड करने वाले हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल अच्छी से बना लेनी है, क्योंकि पीडीएफ फाइल अभी जो है वो आधार कार्ड की नहीं ले रहा है, मैंने ट्राई किया है। और ये जो फाइल हम अपलोड करेंगे वो 100% जो है वो ले लेगा। यहाँ पर जितने भी प्रूफ आपको वहाँ पर दिख रहे थे वो उन प्रूफ में आप एक प्रूफ की
पीडीएफ फाइल कम से कम आपको 1 MB की बनानी है या फिर कम से कम 500 KB की तो बनानी ही है। तो हम इसको मैंने अब पीडीएफ को बना लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस की पीडीएफ को मैंने बना लिया है, लगभग 500 KB की है। तो हमने इसको बनाकर इसको फाइल पासवर्ड आपको कुछ नहीं डालना है वहाँ पर, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आईडी का नाम डाल के यहाँ पर चूज करके आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तैसे ही आपका पेज जो है वो आगे बढ़ जाएगा, जो आपका एरर अपडेटिंग का मैसेज है वो नहीं आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको जो है BID नंबर, यानी इसके बाद आपको जो है अपना आधार कार्ड नंबर, जो नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर नहीं डालना है, वो आधार कार्ड नंबर डालना है जो आपकी आईडी में इस टाइम लगा हो। तो वो आधार नंबर मैंने यहाँ पर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके मेरी ओटीपी आ चुकी है। आने के बाद मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है और इसके बाद यहाँ से जो है आपका जो ई साइन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। होने के बाद आप देख सकते हैं नॉमिनी हो सक्सेसफुली एड हो चुका है। एड होने के बाद अब हम देखेंगे इसमें, आप देख सकते हैं अभी नॉमिनी जो है प्रोसेसिंग में पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद अब इसको हम एक दिन वेट करेंगे और दूसरे सुबह हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरी सुबह जो है मेरा नॉमिनी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे मेरा नॉमिनी जो है ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नॉमिनी ऐड करना है दोस्तों। अगर आप अच्छी क्वालिटी में पिक्चर को अपलोड करते हैं, अच्छी क्वालिटी में आप PDF को बनाकर अपलोड करते हैं, तो आप जो है आसानी से जो है उसमें जो है लगा सकेंगे। दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।